किला मुखिया संघ की एक बैठक रविवार को रसलपुर गांव स्थित मुखिया मुन्ना सहनी के आवास पर हुई। बैठक में मुख्य रूप से परना के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या पर चिंता जताया गया और सरकार से अपराधियों को फांसी दिलाने की मांग की गई। साथ ही जिले भर में संघ को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसन ने कहा कि परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या अपराधियों द्वारा कर दिए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आए दिन अपराधियों द्वारा का हत्या कर दिया जाता है, इस पर मुखिया संघ गंभीर है। मुखिया संघ वीरेंद्र शर्मा ने पीड़ित परिवार के साथ है, उस परिवार के लिए आर्थिक संग्रह कर रही है, जल्द ही पीड़ित परिवार को सहायता दिया जाएगा। मोहम्मद हसन ने कहा कि संघ के द्वारा हमने डीएम साहब से मिलकर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया एवं एक नौकरी देने की मांग रखा है। उन्होंने कहा कि पहले से वीरेंद्र शर्मा को लाइसेंस मिला होता तो ये घटना नहीं होता। जिलाध्यक्ष ने एसपी एवं डीएम से मुखिया को सुरक्षा देने एवं जरूरत के अनुसार आर्म्स का लाइसेंस देने की मांग की। उन्होंने मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मुखिया पदाधिकारी से समन्वय बनाकर काम करें ताकि विकास की गाड़ी आगे बढ़ता रहे। जिलाध्यक्ष ने सभी मुखिया से आह्वान करते हुए कहा कि मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या के विरोध में जिले के सभी प्रखंडों में 8 फरवरी को धरना सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी मुखिया शामिल रहें। वहीं मुखिया मुन्ना सहनी ने कहा कि संगठन में बहुत ताकत होती है, सभी साथी एकजुट रहेंगे तो मुखिया का हक जरूर मिलेगा। बैठक में उपस्थित प्रखंड प्रमुख इंद्रजीत कुमार ने कहा कि हम मुखिया संघ के साथ हैं। भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।